हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल आर्टिस्टिक विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सी और डिफरेंट मिठाई, जो है गुलाब जामुन चमचम। जी हाँ फ्रेंड्स, गुलाब जामुन आप सभी ने खाए होंगे और चमचम भी आप सभी ने खाए होंगे, पर आज हम दोनों को मिक्स करके ये मिठाई बनाने वाले हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, बनाने में एकदम आसान है और कोई भी फेस्टिवल हो आप इसे आसानी से घर में बना सकते हो और सभी इन्ग्रीडियंट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये एक कप गुलाब जामुन मिक्सचर ले लिया है। ये देखिए, ये पैकेट वाला जो आता है, ये कोई भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से अवेलेबल होता है। तो इसे हमें अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको पानी जो है वो एकदम से ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐड करना है। और इसका हमें सॉफ्ट ऐसा एक डो तैयार कर लेना है, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं, बस वैसे ही हमें बनाना है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है, इस तरह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अभी स्टिकी है, तो बस हम इसे मसलते जाएंगे तो ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया था फ्रेंड्स, तो आधा कप पानी में थोड़ा सा पानी बच गया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसे हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मसलना है। और ये देखिए, अब ये स्टिक नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो इस तरह से हमें इसे आटे को तैयार कर लेना है। और ये देखिए, सॉफ्ट आप देख सकते हो, तो बस ये परफेक्ट है। तो इसे हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसको शेप दे देंगे चमचम वाला। तो ये देखिए, मैंने एक छोटा सा एकदम पेड़े के साइज़ का आटा ले लिया है, इसे हमें राउंड कर देना है और इस तरह से हमें इसको शेप देना है, जैसे चमचम का शेप होता है बस हमें वैसे ही देना है यहाँ पे। बस इसे हथेली पे, दोनों हथेली पे इस तरह से लेके थोड़ा सा मसलते हुए इसको ये शेप देना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि क्रैक ना आए। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे ये सब रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ऑयल ले लिया है डीप फ्राई करने के लिए, आप चाहे तो घी भी ले सकते हो। और ऑयल अच्छा गर्म हो जाए, उसके बाद में गैस की फ्लेम को आपको लो कर देना है और इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको ये जो प्रोसीजर है ये लो फ्लेम पे ही करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे करोगे तो ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, पर अंदर से ये कच्चा रहेगा। तो बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे इसे पकाना है और इसे हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, इस तरह से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको देखिए धीरे धीरे बिल्कुल केयरफुली कढ़ाई को पकड़ के आपको इस तरह से हिलाना है, ताकि ये चारों साइड से बहुत ही अच्छे से पक जाए, फ्राई हो जाए। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा कलर हमारा बनके तैयार हो गया है, गोल्डन ब्राउन, और अंदर से भी बहुत अच्छे से ये पक गया है, यानी हमने अच्छे से इसे फ्राई किया है। और ये देखिए, तो बस इसी तरह से हम सारे चमचम को, गुलाब जामुन चमचम को हम रेडी कर लेंगे फ्राई करके। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे घी का यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे ऑयल का यूज़ करूँगी। तो बाकी भी हम इस तरह से इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का गर्म है। और इसे भी हम सेम प्रोसीजर से करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो रेडी हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे मैंने एक गंज ले लिया और इसमें मैंने डाल दिया आधा कप शुगर और इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 कप पानी। और यहाँ पे हमें शुगर सिरप बनाना है। तो ये देखिए, तो चलिए हम इसे गैस पे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब इसे हमें पकाना है, जब तक ये अच्छे से बॉइल नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाना है। और ये देखिए, ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया और शुगर जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, पानी में घुल गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा परफेक्ट बन गया है। हमें चाशनी नहीं बनाना है यहाँ पे, सिर्फ शुगर को जो है पानी में अच्छे से घुलने देना है और बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक इसे बॉईल करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा शुगर सिरप तो बनके तैयार हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे गुलाब जामुन। तो ध्यान रखना है चाशनी जो है वो गर्म होनी चाहिए, और गर्म इसमें आपको गुलाब जामुन को ऐड करना है। और इसे हम रख देंगे फ्रेंड्स कवर करके 30 मिनट के लिए, ताकि चाशनी में अच्छे से गुलाब जामुन जो है वो मिक्स हो जाए और अच्छे से फूल के सेट हो जाए। तो मैं इसे कवर कर दूंगी और 30 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अब हमको बनाना है चमचम। तो चमचम के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर मिल्क ले लिया है। मिल्क को हमें बॉईल करना है। मिल्क ये देखिए बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे साइट्रिक एसिड यानी नींबू सद। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हो, या आप चाहे तो सिरका यानी वेनेगर भी डाल सकते हो। और इसे हमें अच्छे से फाड़ना है, यानी हमें इसका छेना तैयार कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और हमारा छेना जो है वो बनके तैयार हो गया। तो हम अब फटाफट से इसे छान लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। और इसे बहुत देर तक पानी में नहीं रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो आपकी चमचम जो है वो अच्छे से बनेंगे नहीं और इसमें घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर को आपको थोड़ा फास्ट करना है और इसका हमें एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेना है। और ये देखिए हमारा छेना जो है अच्छे से बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसे मैश करना है और इसे एकदम स्मूथ ऐसा बनाना है। तो इसे बिल्कुल 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मैश करना है ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 छोटा चम्मच मैदा, और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी येलो फूड कलर। तो फ्रेंड्स, ये येलो फूड कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लिक्विड वाला, तो ये टोटल ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो चमचम बनाऊंगी वो येलो बनाऊंगी, आप चाहे तो व्हाइट भी बना सकते हो। और फिर से हमें इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से ये बन गया है हमारा। और ये देखिए मैं हाथों पे भी इसे मसल रही हूँ। और इसे भी हमें सेम जैसे हमने गुलाब जामुन को शेप दिया है वैसे ही हमें इसको भी शेप देना है। और इस तरह से हाथों पे मसलते हुए आपको इसे तैयार कर देना है। और ये देखिए, तो सभी को मैं इस तरह से बना लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम इसके लिए बना लेंगे वापस से शुगर का पानी, क्योंकि हमें इसे पकाना है। तो इसे पानी में पकाना है और वो भी हमें शुगर के पानी में पकाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े कप पानी ले लिया है और उसमें मैंने बिल्कुल 1/2 कप शुगर डाल दिया है। और इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। और ये देखिए, ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे चमचम छेने वाले बॉल्स। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं करना है, यहाँ पे फुल फ्लेम पे ही आपको इसे पकाना है। और ये अभी देखिए फ्रेंड्स, ये अभी पके नहीं है, जैसे हमने डाले हैं तो ये एकदम नीचे चले गए हैं। अब जैसे जैसे ये पकेंगे वैसे वैसे ये ऊपर आएंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। ये देखिए, क्योंकि इसका वेट जो है वो लाइट होते जाएगा और एकदम हमारा स्पॉन्जी ऐसा चमचम बन के तैयार होगा। तो इसे मैंने कवर करके 12 से 15 मिनट तक पकने दिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा ये सॉफ्ट ऐसा चमचम हमारा बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो नहीं करना है। और ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ये परफेक्ट बन गया है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसे निकाल लेना है, तुरंत हमें इसको निकाल लेना है ठंडे पानी में। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया ठंडा फ्रिज का, और उसमें मैं ये डाल दूंगी चमचम इस तरह से। ये देखिए, और इसे हमें रख देना है कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि हमारे चमचम जो है वो और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ये गुलाब जामुन भी बनके तैयार हो गए और बहुत ही बढ़िया से ऐसे फूल के तैयार हो गए, यानी इसमें चाशनी अंदर तक अच्छे से घुल गई है। तो अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको हमें कोटिंग कर देना है ड्राई कोकोनट से इस तरह से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं सारे गुलाब जामुन को कोटिंग कर लूँगी ड्राई कोकोनट पाउडर से। ये देखिए इस तरह से।
और ये हमारे गुलाब जामुन तो बनके रेडी हो गए फ्रेंड्स। अब हमें इसे करना है बीच में से कट इस तरह से, ये देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा ये पका है, क्योंकि हमने इसे लो फ्लेम पे पकाया है। तो सभी को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 12 मिनट भी हो चुके हैं और हमारा चमचम जो है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हमें इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है और इसे हमें गुलाब जामुन में इस तरह से फील करना है, यानी हमें इसे इस तरह से सेट करना है इसमें। बस चमचम लेना है, उसका पानी निकालना है एक्स्ट्रा और उसको गुलाब जामुन में फील करना है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी गुलाब जामुन चमचम मिठाई बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कोई भी फेस्टिवल हो, घर में गेस्ट आ रहे हो, कुछ डिफरेंट बनाना है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में आप देख ही रहे हो कि बहुत ही सिंपल है, तो आप आसानी से इसे घर में बना सकते हो। एकदम डिफरेंट रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस आर्टिस्टिक विजन पर ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि सब इसे आसानी से इंजॉय कर सके, बना सके। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इसी तरह से बने रहिए आर्टिस्टिक विजन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।